मैनू गुस्सा आया अर्णव गोस्वामी जो कि आर भारत का एंकर है, वह दलाल गद्दार ते उस दले नू इना पुछियो इना पुछियो कि तू जिहदी आइडेंटिटी चैक कर रहा है तेरी औकात है उहदी आइडेंटिटी चैक करन दी है? कदे घरों बाहर निकल के इस सरकार दे तलवे चट्टण तो अलावा कोई काम किया तू? सतसंग जी फतेह प्रवान करना, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अब मगर पैंदी बर्फ देख रहे हो, -10 डिग्री है। असी एहो जी बर्फ दे विच 10, 15, 20, 25, 40 डिग्री तक अही पाकिस्तान चाइना ना मत्था लाने हैं। साढ़े बजुर्ग इस टाइम दिल्ली बैठे ने, असी भी अजे तक कोई बयानबाजी फेसबुक वगैरह सानू चलो लागू नहीं है, असी व्हाट्सएप ते ही कर रहे हैं। ठीक है, सही अजे तक कोई बयानबाजी किसी व्हाट्सएप या किसी भी वीडियो दे विच अही नहीं कीती। क्यों नहीं कीती? क्योंकि असी भी नहीं चाहते सी कि चलो किसी नाल मत्था मारीए। गुस्सा उदों आया वीर जी जदों एक फौजी वीर ने सिर्फ की गल कीती सी कि मोदी साहब साडा भी ड्यूटियां ते बह के ड्यूटी करन नूं जी नहीं करदा क्योंकि साडे घरां च प्रॉब्लम है। इस टाइम साडे जिन्ने भी वड्डे बजुर्ग ने सारे इस टाइम कित्थे बैठे ने? दिल्ली। ठीक है जी, मैं इस करके अज लाइव मतलब वीडियो बना रहा कि मैनू गुस्सा आया अर्णव गोस्वामी जो कि आर भारत का एंकर है, वह दलाल गद्दार ते उस दले नूं इन्ना पुछियो, उस बड़वे नूं इन्ना पुछियो कि तू जिहदी आइडेंटिटी चैक कर रहा है तेरी औकात है उहदी आइडेंटिटी चैक करन दी है? कदे घरों बाहर निकल के इस सरकार दे तलवे चट्टण तो अलावा कोई काम किया तू? सिर्फ ते सिर्फ अज उठिया, उठ के ते तू एंकर बन के ते तू बकवास मारन लग गया वीरे। फौजी दे उंगल ना चुको, चंगे रहोगे। ठीक है, असी कल भी फौजी जिवें मर्जी हैं, सरदार हाँ, ही एक दूजे का पक्ष पूरांगे, जिथे मर्जी खड़ा कर लियो सन। दूजी गल, एक दिन बाबा दमदमी टकसाल वाले ने राजपुरे जत्थे वाले ने यह बयानबाजी की थी, कहिंदा भी फौजियों का कोई भी बयान नहीं आ रहा। वाहिगुरु जी, असी किसी चीज़ का कोई बयान नहीं देवांगे, बेफिक्र रहो। ठीक है, पर साडा हथ कल भी पंजाब दे विच पंजाबियों के नाल सी, अज भी है ते कल नूं भी रहूगा। मेरा भी इस चीज़ तो बेफिक्रे रहो कि जे तुहानूं लोड़ पई असी पिछे हटांगे, नहीं असी पिछे नहीं हटांगे, असी अज भी तुहाडे नाल आ, कल भी तुहाडे नाल आ, ते हमेशा तुहाडे नाल रहांगे। ठीक है जी, तीजी गल, जे असी इस 10, 20, 50 डिग्री तक असी पाकिस्तान ते उहनां नाल मत्था ला सकदे आ ना, ते तुसीं तां पुत चीज़ ही कुछ नहीं हो साडे सामने। वो अही गरंटी दिंदे अर्णव गोस्वामी, तेनू मैं गरंटी दिंदा, जिद्दण कितें टक्करिया ना पुत, चप्पल ही चप्पल ना कुटूंगा, ते तेनू कछे जना घसीटिया ना, ते मैनू भी जट्ट दा पुत ना कि, इन्ना ध्यान रखे। ठीक है, दूजी गल, जिद्दण कितें आई ते आ गए ना पुत, बर्बाद कर लगे, कुछ नहीं छड्डांगे। ठीक है, ये तो मैं अपने जरनल नूं सल्यूट करदा जिन्हें तुहाडे वर्गी सरकारां दे मूँह मोड़े ने, हाँ जाके मना करके आया कि नहीं बई ये आतंकवादी नहीं है, समझ गए? जे साडे वड्डे बजुर्ग आतंकवादी ने ना, तो वे वर्दी पाई हुई है। ठीक है, कल नूं दिल्ली जाके बह जाऊंगा ना, सानू भी आतंकवादी कहोगे। तुहाडे वर्गे दलाल इहो जे ने ना जिन्हां दी मूँह तोड़ मैं हुण भी रखदा। मेरी गड्डी गवाची सी, मैं आर भारत आज तक तो न्यूज़ 18 वालिआं नाल कॉन्टैक्ट किया, मेरी न्यूज़ लाउण तों भी तुसीं मना कर दिता सी। ठीक है, ते मेरी एक लोकल चैनल ते ही सिर्फ दीप न्यूज़ एक्सप्रेस है जिहड़ा अंबाले दा चैनल, उस ते न्यूज़ आई सी, उस तो अलावा कितने न्यूज़ नहीं आई सी, जां दैनिक भास्कर वाले ने मेरे अखबार च छापी 4 दिन। तुसीं साले साडे सिरां ते की राज करोगे? असीं कदे बोलियां तुहानूं? तुसीं न्यूज़ 'च कुछ भी दिखाते रहिंदे हो, असीं अज तक नहीं टोकिया ना। फौज दे सिर ते राजनीति करना छड्डो, आपो अपने काम कर लो। ठीक है, सानूं उंगल करोगे असीं उंगलां तोड़ांगे, साडे वाला हत्थ करोगे असीं हत्थ वड्डांगे। ठीक है,
ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਕਸਮ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਵੀਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਪਲ ਫੇਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਪਲ ਫੇਰਾਂਗਾ ਤੇਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਘਸੀਡਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੂੰ ਫੌਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਮਝ ਗਏ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਲਏ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਵ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਤੇ।